तो सर, इस वीडियो हम बात करेंगे BTC ST टोकन, बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट टोकन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करेंटली सिर्फ इसकी प्राइस 32 USDT से ऊपर देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड करेंटली इसकी प्राइस में देखने को मिल रहा है, और कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसकी प्राइस में 300% का क्विक पंप देखने को मिला है, और लगातार रेगुलर बेसिस पर डे बाय डे इसकी प्राइस में हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है, एज अ ट्रेडर जिन लोगों ने एंट्री ली है, उनके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, कहां पर आपको सेल आउट करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपने अभी तक CoinDesigns ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से CoinDesigns ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपये का एथेरियम एज ए साइन अप बोनस, और आप अपने दोस्तों को रेफर करके 300 रुपीज़ का रेफरल बोनस अर्न कर सकते हैं पर फ्रेंड। तो यहाँ पर आप रेफर करके भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 32 USDT से ऊपर करेंटली ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। 41 USDT वाला एरिया इसने टच किया और करेंटली थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। डेली के अंदर अगर बात करें तो लगातार 5 दिनों से अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। पिछले अगर 5 दिनों में बात करें, 7 USDT से इसने 42 USDT का वाला एरिया टच किया, 500% से ज़्यादा का क्विक पंप इसकी प्राइस में हमें 5 डेज में देखने को मिला है, और पिछले तीन दिनों से लगातार इसकी प्राइस में हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। प्रीवियस डाउन ट्रेंड के अंदर इसने ऑलमोस्ट 4.5 USDT वाला एरिया टच किया था, और 5 USDT इसको एक अच्छा सपोर्ट एरिया देखने को मिला था, और इस एरिया पर एक अच्छी स्टेबिलिटी भी 5 to 6 के अराउंड में ये ट्रेड कर रहा था। इसी ट्रेंड लाइन के बीच में हमें इसकी प्राइस देखने को मिल रही थी। अब आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है, करेंटली सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो इसको 28 USDT सपोर्ट एरिया, जिससे ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। डेली क्लोजिंग की अगर बात करें, जो कल की डेली क्लोजिंग हुई है, वो 22 USDT के अराउंड हुई है, यानी 19.8 ऑलमोस्ट 20 USDT को यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ने अभी करेंटली मेंटेन किया। अभी आज की कैंडल क्लोज हुई नहीं है, तो आज के सपोर्ट एरिया को यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ से स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अभी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छा करेक्शन भी आपको प्राइस में देखने को मिलेगा। अब आपने अगर एंट्री ली है इस कॉइन के अंदर 10 USDT से नीचे, 12-15 USDT से नीचे, तो आपको 100% से ज़्यादा का तो क्विक प्रॉफिट करेंटली देखने को मिल रहा होगा। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन की अगर बात करें तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट की करेक्शन को सारे कॉइन्स नॉर्मली फॉलो करते हैं जब अप ट्रेंड होता है उसके बाद की सिचुएशन है। तो यहाँ से आपको इसकी प्राइस नॉर्मली हो सकता है 22-23 के अराउंड में शाम तक देखने को मिल जाए, फिर हो सकता है कि ये 40 को वापस ट्राई कर ले। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में प्रॉफिट बुक करके सेफ भी होना है, और प्रॉपर अच्छा प्रॉफिट भी बुक करना है और सेफ भी होना है। तो यहाँ से 33 USDT पर आपको सेल आउट करना, जिन लोगों ने एज अ ट्रेडर एंट्री ली है वहाँ पर आप 70% पार्ट सेल आउट करें। 33 USDT ये करेंटली ऑलमोस्ट उसी एरिया पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 32.6 पर ट्रेड कर रहा है, 33 पर अभी चला जाएगा, वहाँ पर आप 70% पार्ट सेल आउट करें जो भी आपके पास BTC ST टोकन है वो। उसके बाद ऊपर की तरफ इसको 35 USDT रेजिस्टेंस एरिया है, और उसके बाद 43 USDT, तो 35 को ये क्रॉस करके नॉर्मली शाम तक हो सकता है कि ये 38 या 40 को ट्राई कर ले। तो 38 USDT पर बाकी जो 30% पार्ट है वो सेल आउट करें। दो पार्ट में आपको सेल आउट करना है, 33 USDT और 38 USDT, 70 और 30 के रेशो पर। इससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी आपका जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो 100% पे सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा, आप भी खुद की रिसर्च एनालिसिस वगैरह ज़रूर करें। और अब इसके बाद जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से एंट्री ली थी, जिन्होंने यहाँ पर 1 मंथ या 2 मंथ का जिनका पर्सपेक्टिव था, 2 मंथ के अंदर सेल आउट का पर्सपेक्टिव था, अब उन्होंने अगर अंडर 10 यूनिवर्सिटी एंट्री ली है तो उनका भी टारगेट अचीव यहाँ पर अच्छे खासे एरिया। अंडर 10 यूनिवर्सिटी एंट्री है तो आपका टारगेट 25 से 28 का नॉर्मली रहा होगा, तो ये टारगेट इसने नॉर्मली करेंटली अचीव किया है, उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले भी जो करेंट प्राइस है या 35 तक सेल आउट करें, 22 से ऊपर अभी चल रहा है, अच्छे एरिया पर है, सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। प्राइस नॉर्मली अंडर 20 USDT या 15 USDT अराउंड तक आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी है मेंटेन, क्योंकि 200% का करेंटली इसमें अप ट्रेंड है, और 4-5 दिनों के अंदर 500 का मूवमेंट है,
तो वहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा, नॉर्मली 50% का करेक्शन तो देखने को मिलेगा, तो वही 15 से लेके 18 यूएसडीटी आपको प्राइस देखने को मिल जाएगी। बाकी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो लॉन्ग टर्म में आपको ये कॉइन नॉर्मली इस साल के एंड तक 100 यूएसडीटी भी देखने को मिल जाएगा। बीटीसी एसटी जो है वो एफिशिएंट मार्केट क्रिएट करता है, बिटकॉइन माइनिंग से रिलेटेड, पावर वगैरह सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सुगम बनाता है इसको यहाँ पर सिंपल वे में, ताकि चीज़ें जो है वो बीटीसी की माइनिंग वगैरह प्रॉपर वे में हो सके। तो ये काम है बीटीसी एसटी का, यानी जो बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट है। तो आपको माइनिंग यहाँ पर रुकनी है नहीं, माइनिंग रेगुलर चल रही है, रेगुलर हो रही है, तो माइनिंग रुकनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ऑलमोस्ट ये कॉइन अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर इस टाइप का ट्रेंड रेगुलर देखने को मिला तो और भी अच्छा प्रॉफिट देकर चला जाएगा एक साल के अंदर। तो हमने जो टारगेट्स बताए हैं वो टारगेट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी यहाँ पर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से ले। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहें। थैंक यू।